रचना जी आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों? एक मिनट, एक मिनट। ये है कपूर शर्मा। ये है हमारे कपूर शर्मा। आप लोग जानते हो ये इतना खुश क्यों नजर आ रहा है इस वक्त? क्योंकि ये अपनी सारी मुसीबत यानी कि बीवी को भूल चुका है। मैं बता रहा हूँ, इतनी अच्छी बीमारी है इसलिए ये आदमी अपना इलाज नहीं कराना चाहता। इलाज तो मैं करके रहूंगी, बीवी हूँ तेरा का पहाड़ा नहीं जो भूल जाएगा। जो उसकी जिंदगी में अकेली नहीं आई है, मुसीबत का फैमिली पैक लेकर आई है। हमें सुंदरदास छपरी वाले, पुरानी खांसी, पुरानी जवानी, पुरानी नादानी, हर चीज का खानदानी इलाज रखते हैं। नब्ज पकड़कर कब्ज खोल देते हैं, और कभी कभी कब्ज पकड़कर नब्ज भी खोल देता है यार। ये है कप्पू शर्मा के ससुर। और इनकी धर्मपत्नी है रूपमती। प्रणाम, हम है रूपमती, रूपा, हम दो हमारे नौ। और हम है इनका नोवा प्रोडक्ट गोली, जीजा को याद दिलाकर रहेंगे बिंदु भोली। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कप्पू अपनी बीवी कैसे भूल गया। देखिए, जैसे लड्डू तभी आदमी छोड़ता है जब सामने चमचम मिल जाए। हाय हाय। तो ये है इनकी चमचम। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज गजल, मे आई डांस विद यू? हेलो, तुम्हारा उस्ताद मैं हूँ, ये कपूर शर्मा तुम्हारा उस्ताद नहीं है, जो सीखना है मेरे से सीखो। और ये है चमचम पे बैठी मक्खी, यानी कि बेटा मक्खा है। हर शहर से एक लड़की भगाकर ले जाता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं उस्ताद घर छोड़ दास। और इनके मकान मालिक है ये। ये मेरे नाम है पुष्पा, मैं फायर ही नहीं नायर है। चंदू तो इनसे शादी करके इनके घर में पड़ा हुआ है। पड़ा नहीं हूँ, इधर मैं सर इडलियां बेचता हूँ, और देख लो पंजाबी आदमी से ये इडलियां बिकवा रही है। ये जोड़ी जो है ये सरसों के साग के साथ डोसा का कॉम्बिनेशन है। सच में इस मोहल्ले में बड़ा ही कॉम्प्लिकेशन है। अरे, हमारा इंट्रोडक्शन तो आप किए ही नहीं। हमारी गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। आँख में लगा के बोली लंसी लानीला, तबाहत लूजीला। ओए बस कर बस कर। और मैं हूँ इस शो का पहला गेस्ट, दूसरा गेस्ट, उसके बाद तीसरा मैं ही हूँ, और जब जब बुलाएंगे तब तक आऊंगा, नहीं बुलाएंगे तो फिर भी डेफिनेटली आऊंगा। तो गाइस, एंजॉय विद कप्पू एंड परिवार। ओके, मैं तो रह गई। आपने किया क्या?